रेड लाइट एरिया का जो है कि तालाब है, बहुत काफ़ी मतलब पुराना तालाब है, पीछे वाला भाग है। बताते हैं लोग कि शिव मंगल राम बैद जी का है, सिदासपुर का मतलब कि ये गड़ई है, और ये खासतौर से यहाँ पर मछलियाँ वैसे पाई जाती हैं, लेकिन ब्लॉक का मतलब जो प्रमुख क्षेत्र है और काशी विद्यापीठ ब्लॉक की तरफ रोड से आ जाता है। हम पिछड़ा दिखा रहे हैं और ये सामने जो देख रहे हैं वहाँ पर रेड लाइट एरिया है, इसके आगे जब रोड पर जाएंगे जो दिखाएंगे आपको आगे चलकर, वो जो है कि रेड लाइट एरिया में क्या क्या परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, क्या क्या विकास हुआ, इसके बारे में पूरा बताएंगे। तो चलिए आज चलते हैं हम लोग सिदासपुर रेड लाइट एरिया में और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ और क्या क्या परिवर्तन हुआ। विद्यापीठ ब्लॉक रोड यही है ना, ब्लॉक से जाने के लिए रास्ता। और उसके बाद इसका नाम नगर निगम प्रासी जोन कार्यालय और ऋषि मांडवी जो है कि जो ऑफिस खत्म कर दिए, इसका नाम बदल दिए। इसका नाम पहले क्या नाम था इसका? ब्लॉक रोड तो पहले था ही, बस यही बिल्डिंग के बगल को तो चालू रहा। हाँ, ये तो मुरवाड़ क्षेत्र है। धीरे धीरे ब्लॉक में सब इस बिल्डिंग के बगल से पूरा चालू। इधर तो सब बन उन गया, इधर सब नहीं, यहाँ से एकदम पूरा स्टार्ट था। अब अच्छे अच्छे लोग बसने लगे यहाँ पर। रोड भी बढ़िया बन गया है। रोड तो हाँ, रोड पहले वही तो विकास हो गया इधर भी, काफ़ी विकास काफ़ी हो गया जी। नहीं पहले मन सरकारी पूरा के मन दुकान रहे पाल जी का, ये पूरा एकदम पूरा खाली रहा मैदान। अच्छा, इसका बिल्डिंग यही इसके पीछे पूरा एकदम खाली था। ये पहले तो रेड एरिया था मतलब? हाँ, रेड लाइट एरिया, रेड लाइट एरिया था। और ये देखिए खाली जगह बचा है, अब गिट्टी फटा हुआ है, सब बेचने के लिए होगा, जिसका अगर बेच रहा होगा। हाँ, जिसका है वो अपना बेच रहा है, अच्छे अच्छे बिल्डिंगें बन रही हैं। अब वहाँ मंदिर भी अच्छे है। हाँ, वो मंदिर तो बहुत पुराना है, पहले लोग चार कसी करने के लिए इसमें रस्सी वस्सी कूदने के लिए लोग आते थे पहले इधर। अच्छा, रोड देखिए काशी विद्यापीठ ब्लॉक का जो मतलब रेड लाइट एरिया होता था उसका रोड कितना बढ़िया बन गया है। परिवर्तन हो गया, काफ़ी परिवर्तन हो गया है। लोग यहाँ पर मतलब लोग काफ़ी बदलाव भी हो गया है। काफ़ी यार, रोड बन गया, कैसा लग रहा है? रोड तो पहले बहुत बेकार था, कैसा रोड लग रहा है बन गया तो? पहले तो बहुत सफाई है, अब से आने जाने में लोगों को आराम हो गया, तो पहले काफ़ी रोड खराब था, बदलाव आ गया काफ़ी यहाँ पर। अरे लोगों को आने में पहले डर भी लगता था, अब झड़क आ जा रहे हैं। रोड का वीडियो हो रहा है कि रोड का ना कहाँ से भैया, बहुत अत्याचार भी हो रहा है ना, मगर उस समय तब मतलब आते हैं नगर निगम कर्मचारी से घर लगाते हैं। अरे डब्बा भी रख दिए हैं लोग। तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब बन गया, बढ़िया हो गया? बढ़िया हो गया, अच्छा है। नहीं, बहुत गंदगी है, तो सुधार हुआ है। अच्छा, ये कौन सा बिल्डिंग बन रहा है? ये हॉस्पिटल बन रहा है। हॉस्पिटल मतलब कैसा हॉस्पिटल बन रहा है? ये हर रहता है, इतना रहता नहीं, हर मर्ज का अभी अभी बनेगा, अभी बना रहा है, बन जाएगा तो। देखिए काशी विद्यापीठ ब्लॉक में जो जाने का रास्ता है, शुरुआत में आपको यहाँ पर हॉस्पिटल भी बन रहा है। हाँ, रास्ता उधर है। अच्छा, हाँ वो तो आगे से होगा, वो आगे से हमने हमने रह सुन दिया। हाँ, सीता समाइन वाले में वो वाला रास्ता इमन होगा। हाँ, ये वाला बंद होगा, अब आगे में वाला तो बगल में, इधर बगल में नंदू डॉक्टर राबा के लन पहले। हाँ, गब्बर रहा सही सब, इतना दुकान वकान सब बंद रही, लाइट एरिया जो है था, लेकिन अब बहुत बदलाव आ गया। हाँ है, लेकिन अभी बहुत कम है यहाँ पे, धीरे धीरे ये उठकर ब्लॉक पे चला गया है, इधर है लेकिन कम की मात्रा में। रोड जब से बन गया तब से बहुत काफ़ी सुधार है, काफ़ी ये पोखरी जस का तब से आज बचपन से देखा थी, तब से ऐसे ही बात। अरे बहुत बड़ा पोखरी था ये लीजिए, ये धीरे धीरे हमको 45-46 बरस हो गया देखे। सब बिक जाएगा ये सब धीरे धीरे।
54 बरस उम्र हो गया, 55 बरस हो गया, इस पोखरी को इसी तरह देखते हैं। अच्छा, जितना भी था ये सब धीरे धीरे गिर जाएगा, सब बदल जाएगा, ये सब धीरे धीरे बदलाव आता रहेगा। पहले रोड भी बहुत गड़बड़ था, ये रोड इतना बढ़िया हो गया। तो बस यही, आप तो सीधे यहाँ से निकलिए, निकल जाइए। पहले बस इतने रहे कि आए जितना ढलैया है, अब तो इधर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। ये अभी सब बिस्तर है, ये धीरे धीरे बन रहा है, अपना बनता जाएगा। पहले कितना गंदगी था, तो काफी सफाई फाई भी हो गया। सफाई तो खैर बाकी बहुत हो गया। अरे बिल्डिंग वही तरह का वही तरह बा, और बिल्डिंग वही तरह का वही तरह बा, अभी उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। मकान वकान भी बहुत काफ़ी पहले टूट के बन गया, यहाँ पर हो गया। धीरे धीरे अच्छे लोग रहने चालू कर दिया, गंदगी में खत्म हो रहा है। अरे पहले लोग यहाँ पर आने से कुछ डरते थे, लोग डरते थे। अब देखिए कितना जगह हो गया, ये गढ़ाई गढ़ाई मतलब सोच लीजिए कितना पुराना होगा। हम तो 500 बरस से देख रहे हैं इस गढ़ाई को इसी तरह। अभी सब जगह को बहुत बहुत खाली, अभी ये बहुत जगह खाली है। इतना जगह सोचिए, बहुत जगह है। वीडियो पे डाले बजे नगर निगम के अधिकारियों को थोड़ा सा दिखाना है ना, नहीं देखा है अभी। ये है कि नहीं, जैसे पहले से काफी बदलाव हो गया। ये सब पोखरी अभी तक हम लोगों के बचपना वाला है, बदला नहीं है, तो कैसे रहा नहीं बदल गए, जो आधा बीत गई, आधा बीत गई, बीत भी गया है। कौन लिया इसको? लिया पटेल को ही लिया। अच्छा, पटेल आधा पोखरी पे ले लिया वो भाई, क्या करेंगे, जिसको जहाँ तक जरूरत है उस हिसाब से अपने पैसे के हिसाब से ले लिए। तो पूरा पोखरी बहुत बड़ा पोखरी भी है, बहुत बड़ा। आओ गेम भी भैया, आओ अब तो आठ कार्ड कुल दिखाई दिया। अरे कह दे रहे, इतना विश्वास ना हुई, अब हमरो भाषण ला हमरो लगावा तनी भी गया है। कुल लिया भैया? सर जी ये गढ़ही जो कि कोई बेचा नहीं है, ये पुतनी जमीन जो है ये मंगल वैद्य जी का है, उनके जो कि पोता ये महीना पे 300 या 400 रुपये देते हैं, गरीब आदमी का पेट जल जो कि चलाते हैं, और इसमें मछली वो छोड़ते हैं, वो जिलाते हैं जिनको देते हैं किराए पे। अच्छा, वो भी कभी कदार अगर उनका अच्छा मूड होता है तो लेकर खा लेते हैं, बस यही जी। मैं सर जी मैं बताता हूँ कि ये पोखरी बहुत पुरानी है, और ये पुस्तनिक जो कि सरकारी नहीं है, ये मतलब ये पोखरा अपने से बनाया गया था। हम लोग का जन्म हुआ तब से लोग पोखरी देख रहे हैं इसको। जी, ये पोखरा अपने से खनवा कर जो कि अपना शौक में ये जो है मीडिया से, हाँ ये पोखरा जो है सर जी की, ये पोखरा जो कि अपने शौक में खनवा कर ये जो है ये अपने शौक में रखे थे, फिर जो कि लोग मांगने लगे पेट के लिए, 3 महीने के लिए 300 रुपये के लिए, एक मानिक रखने के लिए 300 रुपये दे। हाँ, लोग आके अपना कुछ खाए पिए, अपना छोड़े छाड़े, अपना मतलब कि जीविका का चलावे मतलब। जी सर, इसमें मतलब उसी तरह है अभी, मतलब उसी तरह चल रहा है, चलता है। ये मंगल राम बैठ जी, जिसका जागृति नगर जागृति नगर स्कूल चलता है, स्कूल चलता है जागृति नगर स्कूल चलता है उनका, खतरानी देवी भी स्कूल उन्हीं का, डॉक्टर के पी शंकर उन्हीं का है जी। अच्छा, इधर इधर जो मतलब जाता गुडविल जो तो राज के बार बार है, यही तो है ना सामने वाला। हाँ, यहाँ तक करेगा जाएंगे, नहीं तो फिर वापस खोलेंगे, किया जाएगा डाउन आर के मार्बल धंधा करेगी चाहिए, लगन आ गए कौन से चले सब्सक्राइब करेंगे वो हम बोल देंगे ना बाद में। हाँ, जब चेहरा दिखाओ कल भागल, रोड रोड बहुत बढ़िया बन गया। हम एक बार आए थे तो रोड नहीं था सही, लेकिन रेड लाइट एरिया का जो कि अब ये बहुत काफ़ी कायाकल्प हो गया है, और नगर निगम जो है काफ़ी मतलब इस पर ध्यान देते हुए रोड बना दिया काफ़ी, और काफ़ी भी अभी बहुत ख़राब जगह है, लेकिन फिर भी जो है कि इक्का दुक्का लोग रह रहे हैं अभी क्यों। हाँ हाँ, अभी धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। ये गोडाउन है शायद आर के मार्बल्स का।
रास्ता इसका उधर से हो। एक मंदिर भी यहाँ पर है देखते हैं, ये मंदिर तो बहुत पुराना मंदिर, ये आज का हम लोगों के पैदाइश से पहले का। भैया का बेचत हूँ, इधर से आलू चाप भी बेचत हुआ, पकौड़ी भी बेचत हुआ, ब्रेड चाप भी बेचत हुआ, पापड़ बेचत हुआ, और चाउमिन भी मिल जाए यहाँ। दुनिया भर का अंडा का जो अपना डिश सब रख बेचत हुआ, डंडा भी मिली। कितना साल पुराना दुकान है भैया आपका, कब से खोले हैं? एक साल हो गया, सही चल रहा है। अब जहाँ खोले हैं तो सही से चलेगा। रोड की जमीन, रोड की दुकान है, लोग आवागमन अपना बराबर। तो फिर मोहानी है, मंदिर भी यहाँ पर देख रहे हैं बना हुआ है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ से ब्लॉक शुरू हो जाता है, यहाँ से तो ब्लॉक पूरा चालू हो जाता है। मतलब लोग बसने लगे काफ़ी, मतलब तरह तरह का विकास हुआ काफ़ी, मतलब पुरानी बिल्डिंग, इधर से भी रास्ता निकल गया है गांव में जाने के लिए। अच्छा, लेकिन अब दोनों तरफ से मतलब दुकानें भी काफ़ी खुल गई। हाँ, पहले कुछ नहीं था, अब तो काफ़ी परिवर्तन आ गया। अरे तो इधर आए हमको 25 बरस के ऊपर। तो ये जो हम लोग जा रहे हैं ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, खास ब्लॉक पे आगे जाके ब्लॉक मिलेगा सरकारी, और जो है कि पहले लोग इधर से जो आते थे लोग काफ़ी प्रॉब्लम होता था लोग आने में, आज से करीब 4-5 साल पहले भी बहुत प्रॉब्लम था, पहले अब भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन अब इतना मतलब बाहर के लोग आके बस गए हैं कि अब धीरे धीरे सब समाप्त होता जा रहा है, वो चीज़ नहीं रह गया, लेकिन फिर भी अभी भी मतलब कि 25% मांग चलिए यहाँ से जो रहने वाले थे सब, रेड लाइट की मतलब जो एरिया की जो मतलब जो काम करती थी बहुत अच्छा, यहाँ से निकल गई भाग गई मतलब। अच्छा, दुकान वकान खुल गया है, भाई कुआँ भी बहुत जिस तरह लग रहा है, कुआँ भी बहुत पुराना है, कुआँ बहुत पुराना है, पहले रोडवे कितना रहा, खाली 4 फीट का रास्ता रहा, एक रोड इधर से निकल जाता है, इधर से भी लोग आते जाते हैं, लेकिन रास्ता बहुत खराब है, वही पोखरिया पे चला जाएगा। तो ये रोड जो जो हम लोग जा रहे हैं ये ब्लॉक पर जाएगा, काशी विद्यापीठ ब्लॉक पर, और ये मरवाड़ी रास्ते से हम लोग निकले हैं, यहाँ पर आ गए हैं, फिर नए नए मकान भी बन गए हैं, अभी मतलब काफ़ी पिछड़ा इलाका है, लेकिन फिर भी अब काफ़ी बदलाव आ गया है, अब लोग नए नए आके बसने लगे हैं, तब से बहुत काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले लोग इधर से आने जाने में बहुत डरते थे, हम लोग के समय बताते थे कि आज से 10-20 साल तो मतलब काफ़ी मतलब बहुत कम लोग आना जाना पसंद करते थे, क्यों इधर लोग आने में डरते थे। हाँ, हो जाए कहीं, और काफ़ी मतलब कि नाम भी बहुत बुरा था, और बहुत नाम प्रसिद्ध भी था। हाँ, इस नाम से लोग कौन नहीं जानता था, मतलब हमको आशा कि आसपास के जिले के लोग भी जानते थे, लेकिन धीरे 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 अब यहाँ से कहाँ उठ के सब चला गया हो, सब जैसे मतलब जो रेड लाइट एरिया में जो काम करने वाले सब निकल के चले गए, कुछ पीछे हैं, अच्छा कुछ इधर छिटपुट टाइप में है, अब मतलब बहुत लोग चले भी गए। अच्छा, एक गढ़ी यहाँ पर भी, हाँ वो ब्लॉक के ठीक पीछे। तो ये काशी विद्यापीठ ब्लॉक का मतलब जो है कि भवन है, और उसी भवन पीछे भी ये अलग से गढ़ी है, ये अलग तो गढ़ी, वो गढ़ी अलग है, ये गढ़ी अलग है। कैसे वीडियो बना भैया? पोखरी ओखरी का बना था, रोड का बना था, हट जाए तो बढ़िया ना है, नहीं हटना चाहिए, गंदगी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए, वही बात है, बस उसी गंदगी के लिए ये सब हो रहा है सब। आज नहीं कल ये भी बिक भी जाएगा सब, को भैया? हाँ, सरकारी ब्लॉक में आ गया ना, अब सर वो कोने से लिया गया ना। अच्छा अच्छा, कोने से ऐसे मार दिया तो ये, अच्छा सामने कोने से, हाँ वो पेड़ जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे से इसे लेकर ये सब ब्लॉक रोड में आ गया है, ये दूसरे की अमानत है।
अच्छा, हम लोग जब भी कभी पेड़ के पास आते हैं तो जैसे ये पेड़ हमेशा मतलब कुछ ना कुछ फोटो रहता है, आप पता नहीं मतलब पूछते हैं क्या करते हैं लोग। ये पीपल का पेड़ है और यहाँ लोगों की मान्यता है कि सारे देवी देवता इसी में वास करते हैं, इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा होती है। और हनुमान जी का, गायत्री माता का, गणेश जी, लक्ष्मी जी सबका फोटो रखकर जिसको जो श्रद्धा होता है वो अपना पूजा करता है। बहुत दिन से देखते हैं, उम्र 53 बरस हो गया है लेकिन इसको हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं। बहुत पुराना पेड़ है और 108 नंबर की गाड़ी है जो सरकार ने लागू किया है। और उसका एम्बुलेंस का हालत देख लीजिए कि इतना बढ़िया है कि जब भी बुलाएंगे तो ये तुरंत हाजिर हो जाएगी। अब उसका टायर भी गड़बड़ है, सामने का भी टायर गड़बड़ है और इतना मतलब तेज़ काम हो रहा है कि मतलब बिना टायर का ही मतलब आपके घर पहुंच जाएगी, बिना टायर का। और ये मतलब काशी विद्यापीठ की एम्बुलेंस का ही हाल है। हम लोग ब्लॉक पर आ गए हैं, लगभग उसकी तरफ जा रहे हैं, थोड़ा दूर पर मतलब ब्लॉक है, ये छोटा सा पानी टंकी ब्लॉक अंदर बना है। ये उधर इधर ब्लॉक है, इधर ये जो लाल वाला भाग है ब्लॉक है और इधर रहने का स्थान है, पीछे रहने का स्थान है। हाँ, जो डॉक्टर यहाँ बैठते हैं या जो मतलब अफसर बैठते हैं, डॉक्टर लोग बैठते हैं तो वो लोग भी बैठते हैं, लोग घर भी है, क्वार्टर भी है अपना, मतलब कि सर्वेंट क्वार्टर, अरे तो वो लोग भी रहते हैं यहाँ पर, सरकारी क्वार्टर भी है इधर यहाँ पर ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काशी विद्यापीठ ब्लॉक के अंदर स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपातकालीन 24 घंटे सेवा, ये हॉस्पिटल है। सब नया नया अभी लिखा रहा है यहाँ पर। चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, व्यवस्था यहाँ का सही है इसे? नहीं, यहाँ का हॉस्पिटल का व्यवस्था एकदम सही है, यहाँ जो भी आता है एकदम स्वच्छ ठीक होकर जाता है, हम लोग खुद करवाए हैं। नहीं, यहाँ पर मतलब सही है, देख रहे हैं सही है यहाँ का। इधर दूर होने की वजह से हम लोग तो ही है, कम से कम तो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो हो गया। हाँ, आराम से। अभी यह सड़क कहाँ चला जाता है? ये सड़क आपका फिर वही लहतारा वाले रोड में मिलेगा। अब यही कॉलोनी है जैसा देख, मल्होत्रा साहब का जो पहले ग्राम प्रधान थे सुदासपुर के, उनके घर के पास ये सरकारी क्वार्टर है सब, डॉक्टर लोगों के रहने के लिए सरकारी क्वार्टर है। ये काशी विद्यापीठ का कार्यालय है ये। हाँ, ये राजकीय पशु चिकित्सालय यहीं पर, चिकित्सालय भी यही पर। चिकित्सालय दूसरे तरफ का से विद्या संबंधित विद्यापीठ के ग्रामीण संबंधित कार्य होता है। दस बजे से लौट आएंगे तो अभी आगे जाने पर लहतारा क्षेत्र तब मिल जाएगा ये, लेकिन यहाँ भी कुछ दुकान वकान खुल गया है। ये तो बहुत तो क्षेत्र में आता है ना ये। हाँ। कौन सा जगह है यहाँ पर? काशी विद्यापीठ ब्लॉक। हाँ, सामने शीतला मंदिर भी है, मैं शीतला मंदिर तक। हाँ, बहुत यही पुराना बहुत मंदिर है ये, थोड़ा छोटा सा बाजार यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी लोग बसने लगे हैं काफ़ी, मतलब पुराना ये इलाका है सिद्धासपुर का। क्यों? काशी विद्यापीठ ब्लॉक की वजह से यहाँ पूरे घने बस्ती भी है और अच्छे लोग भी रहते हैं यहाँ पे। और ये सिद्धा जी का मंदिर है, यही से हम लोग खास से वापस भी हो जाएंगे।
लास्ट है काशी विद्यापीठ ब्लॉक का, जो आपको दिखाना चाहते थे कि काफ़ी मतलब रेड लाइट एरिया में बदलाव हो गया है यहाँ तक, मतलब इसके बाद मतलब आगे कार्यक्रम खत्म है। हाँ, उसके बाद अब कार्यक्रम ये ला रोड सीधे सीधे यही लहरतारा, हाँ ये लहरतारा चला जाएगा। उसी रोड पे चला जाएगा गांव में होते हुए लहरतारा वाले रोड पे। तो हम लोग वापस चलते हैं, आपको दिखा भी दिए यहाँ पर मतलब किस तरह का मतलब परिवेश मतलब बदल गया है, रोड बदल गया है, लोग रहने का ढंग भी बदल गया है। तो ये काशी विद्यापीठ ब्लॉक का आपको जो है सिद्धार्थपुर का रेड लाइट एरिया में कितना बदलाव आया है उसके बारे में दिखाया था। नहीं तो जहाँ कभी चौरा ऐसा सब हॉस्पिटल में भी तो वही हालत है। हाँ, हर जगह वही है, सरकारी हॉस्पिटलों में वही हालत है, लेकिन लोग अब ये कच्चे रास्ते तक ले जाते हैं, ये निकलेगा ये भी मतलब आपको लतार रोड पर निकलेगा, लेकिन रास्ते का हाल बहुत ही बुरा है, बहुत इधर का अभी पूरा व्यवस्था बना नहीं है, धीरे धीरे ये भी बन जाएगा। इधर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, मैं चाहता कि रोड इतना बढ़िया हो गया होता, 25-25 बरस से हम इसी रोड को इसी तरह देख रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट मारते हैं सब इसी तरह, सब लोग शॉर्टकट मारते ही रहते हैं, बराबर इधर से ही आएंगे जाएंगे सब लोग, मेन जगह से नहीं आते हैं, जिसको जाना होना होगा सब इसी शॉर्टकट रास्ते से लोग आए नहीं जाएंगे। हाँ, नरक जीवन बना है इस रोड का। और यहाँ से खरंजा चालू हो गया, तो ये हम लोग आए थे खासतौर से जो मतलब कि मरवाड़ी जो सिद्धार्थपुर है उसका रेड लाइट एरिया का स्कोप दिखाने के लिए कि यहाँ पर कितना बदलाव है, वही गड़ी है और वो पीछे वाला पीछे का स्थान है, ये जो पहली पोखरी दूसरी पोखरी जो हम लोग देखे थे, और ये सब जो मतलब कि रेड लाइट एरिया का जो है पीछे वाला स्थान है जो मतलब कि ब्लैक रोड से जो हम लोग चलते हैं, बहुत नाम है इसका सिद्धार्थपुर, सिद्धार्थपुर से लोग नाम से भी भ्रमित होते थे, डरते थे, आज काफ़ी मतलब कि चेंजिंग हो गया, रास्ते बन गए हैं, पीछे का इलाका उतना बना नहीं है अभी, ये रोड तो हम बचपन से यही तरह देखा थे, कबो बना था कबो ईटा कबो एकर विकास के विषय में जब भी ये सब गढ़े उड़े बन जाएगा ना, कादे से जब भी उग जाएगा, इस कादे से बनेगा तभी इसका उद्धार होगा। और माता जी कैसे है ब्रेड रोड दे रही हैं? और वो पालू चाप क्या है? वो हर पैरों ने यार आलू चाप, आलू चाप कैसे है? 5 रुपये। और ये 5 रुपये, सब 5 रुपये। एक रास्ता यहाँ से भी निकल रहा है, वो शॉर्टकट रास्ता है, वो इस रोड से उस रोड पे जाने के लिए। अच्छा, अभी बन जाएगा तो रास्ता हो जाएगा, अभी अगल बगल मकाने बना नहीं है, जब मकाने मकान बन जाएगा तो रास्ता मिल जाएगा। अरे कितना डाउन है और उसके बाद यहाँ पर इतना ऊँचा, अब इसके ऊँचे जाने का मतलब कितने का घर मकान खराब हो जाएगा अगर इस लेवल ले जाएंगे। ये दूसरी पोखरी के बगल वाला, हाँ दूसरी पोखरी के बगल वाला, कोई फैक्ट्री है, गोदाम वोदाम है, और कुछ लोग आराम भी कर रहे हैं कायदे से नीचे, आई जो है कि पूरा मतलब देखा कितना डाउन हो गया है यहाँ पर आके, अब इसके लेवल के लिए चलेंगे तो कितना लोगों का मकान ख़राब हो जाएगा। तो ये है धीरे-धीरे इस रास्ते का ज़्यादा लोग उपयोग करते थे जब वहाँ पर, इसलिए कि उधर जाते डरते थे लोग, उधर से जाने से डरते थे, इधर से ज़्यादा लोग प्रयोग करते थे। हाँ, ये भी चला जाएगा, आइए इधर से होते हुए वो कोयला वीला बिकता था वहाँ हम लोग जाते थे। अच्छा,
हरिशन का बाड़ी वाले सब नया नया मकान बना है सब। आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसके लिए लाइक तो बनता ही है। अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब अपने दोस्त जमराज सिंह को आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रोमांचक सफर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।